हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो रे ऑप्टिक्स के लास्ट लेक्चर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल्स ऑन द डिफेक्ट्स ऑफ द आई। बहुत सिंपल एग्जांपल है, इसमें इतना लॉजिक है ही नहीं, सारे एग्जांपल एक जैसे आपको लगेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स ऑन द आई। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, What focal length should the reading spectacle have for a person for whom the least distance of distinct vision is 50 centimeter? Least distance of distinct vision कितना है? 50 centimeter। कहने का मतलब क्या है कि वो बंदा 50 centimeter पर रखी हुई कोई चीज है उसको easily देख सकता है, लेकिन अगर उससे कोई करीब आ जाए, उससे चीज अगर करीब आ जाए, नजदीक आ जाए, तो वो नहीं देख सकता, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पर रखें, कितने सेंटीमीटर पर? 25 सेंटीमीटर, तो वो जो लेंस वो पहनेगा उसकी इमेज कहां पर बननी चाहिए? 50 सेंटीमीटर पर। क्यों? क्योंकि उसे वो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर अगर दिखेगा तो वो नहीं देख पाएगा, उसे वो कितनी डिस्टेंस पे चाहिए देखने के लिए? 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हियर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बी, बी बी मतलब नियर डिस्टेंस, ठीक है ना, शुड फॉर्म इमेज एट 50 सेंटीमीटर, ठीक है। बी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट कहां पर इमेज फॉर्म करना चाहिए? 50 सेंटीमीटर। आओ फॉर्मूला लगाएं, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। ओके, इमेज कहां पर बननी चाहिए? 50 सेंटीमीटर पर, ठीक है, हमसे 50 सेंटीमीटर पर। और देखो, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है और इमेज भी वही बन रही है, मतलब कि उसी साइड, इसीलिए इमेज डिस्टेंस कैसा आएगा? नेगेटिव माइनस 1 अपॉन यू, ये डी है तो उसको क्या कर देते हैं, माइनस 25 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन 50, जो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 50, ठीक है। ये पूरा, ये आधा, पूरे में से अगर आधा जाए तो आधा बचेगा, तो एफ कितना होगा? 50 सेंटीमीटर, ठीक, वेरी सिंपल, दो मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखे तब इमेज कहां बननी चाहिए? जहां से वो क्लियरली देख सकता है, 50 सेंटीमीटर पर। इमेज 50 सेंटीमीटर पर बननी चाहिए लेंस से। हमेशा सोचेंगे कि लेंस और आई के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, बहुत पास में है, ठीक है, वो डिस्टेंस हम इग्नोर करेंगे। ओके, हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन हैव 4.80 सेंटीमीटर, क्या दिया है, 4.80 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यह है कि वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इतना मतलब नहीं देख सकता, 80 सेंटीमीटर से अगर दूर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो वो नहीं देख पाएगा। दूर मतलब कि हाईएस्ट डिस्टेंस दैट पर्सन कैन विजुअलाइज इज हाउ मच, 80 सेंटीमीटर। ओके, सो दैट मच इज गिवन, एंड व्हाट इज आस्क्ड, कैलकुलेट पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू इनेबल हिम टू सी वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। वॉट वी हैव टू फाइंड आउट द पावर ऑफ द लेंस। ओके, वी विल कंसिडर दैट ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ओके, एंड वेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज शुड गेट फॉर्म एट 80 सेंटीमीटर। वेयर द इमेज शुड गेट फॉर्म? 80 सेंटीमीटर। वाई? बिकॉज पर्सन इज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट विच आर एट 80 सेंटीमीटर। सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला, 1 upon v minus 1 upon u is equals to 1 upon f. 1 upon v, now what is v? 80 minus 80 centimeter minus 1 upon minus infinity, doesn't matter minus or plus,
ओके, बिकॉज इट विल गोइंग टू बिकम जीरो, दैट्स वाई. ठीक है, ये है वन अपॉन एफ. सो क्लियर. सो वॉट यू विल गेट, वन अपॉन माइनस 80, ये सेंटीमीटर है. अगर इसको आप ना लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ. सो एफ शुड बी माइनस 80 सेंटीमीटर. ओके, ये फोकल लेंथ उसको कितनी चाहिए, माइनस 80 सेंटीमीटर. ठीक है, और अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा. तो 80 अपॉन 100 कितना आएगा, 80 अपॉन 100 0.8 मीटर आएगा. ठीक है, और अगर हमें क्या कैलकुलेट करना है, पावर. सो पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, एंड रिमेंबर द एफ शुड बी इन द मीटर. दैट्स व्हाई व्हाट यू कैन से 1 upon 0.8 minus 1 upon 0.8. ओके, एंड देन आफ्टर इजीली यू कैन सॉल्व इट. दिस मच डायोप्टर. एंड नेगेटिव मीन्स कॉनकेव लेंस. उसे कौन सा लेंस चाहिए, कॉनकेव लेंस. हमने देखा था ये कि नियर साइटेडनेस पर्सन है और उसका मतलब कि वो दूर नहीं, दूर से नहीं देख सकता, तो वो कौन सा लेंस उसे करेक्ट करेगा, कॉनकेव लेंस. ठीक है, ये पहला हो गया. दूसरा क्या दिया है, इन व्हाट वे डज करेक्टिव लेंस हेल्प अबव पर्सन, मतलब कि वो लेंस क्या हेल्प कर रहा है. डज लेंस मैग्नीफाई वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, क्या सोच रहे हो आप, क्या होगा. हम ऐसा बोलेंगे, लेंस ब्रिंग ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब कि जो पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, ऑब्जेक्ट विच आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस एट फार पॉइंट. ठीक है, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट को 80 सेंटीमीटर पर लाके रख देगा, सिर्फ उतना ही, 80 सेंटीमीटर पर लाके रख देगा, ये लेंस करेगा. ठीक है, और दूसरा क्या है, डज लेंस मैग्निफाई वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. नो, वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को मैग्निफाई नहीं करता, हम उसको क्लियरली नहीं देख पाते. हम उसको क्लियर देखने के लिए कहां पर होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर पर. तो वो लेंस 80 सेंटीमीटर पर लाके रख देगा. ठीक है, तो मतलब कि वो मैग्निफाई नहीं करता. तीसरा क्या है, द अबव पर्सन प्रिफर्स टू रिमूव हिज स्पेक्टेकल्स व्हाइल रीडिंग अ बुक. ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई, बिकॉज पर्सन इज नॉट एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली. ऐसा नहीं दिया गया है कि पर्सन नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख सकता. ठीक है, बुक रीड कर रहा है मतलब कि वो तो नियर ऑब्जेक्ट हो गया, तो नियर ऑब्जेक्ट पर्सन क्लियरली देख सकता है, फार ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली नहीं देख सकता. इसीलिए उसके लिए उसे स्पेक्टेकल्स चाहिए, लेकिन जब रीडिंग करेगा तब उसके लिए उसे स्पेक्टेकल्स नहीं चाहिए. ओके, सो व्हाट यू कैन से दैट दिस बुक इज द नियर ऑब्जेक्ट विच पर्सन इज एबल टू सी क्लियरली. ओके, दैट्स व्हाई इट इज नॉट यूजिंग, ही इज नॉट यूजिंग द स्पेक्टेकल्स. ओके, आप इसको अच्छी तरीके से एक बार नोट कर लीजिए. ठीक है, तो जैसे हमने पिछला एग्जांपल सॉल्व किया था वैसा ही एग्जांपल है थोड़ा सा. ठीक है, क्या दिया है कि एक पर्सन है जिसका नियर पॉइंट कितना है, 75 सेंटीमीटर. सो पी रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू व्हाट, फॉर रीडिंग बुक एट 25 सेंटीमीटर. मतलब कि अगर बुक 25 सेंटीमीटर पर रखी है तो उसको रीड करने के लिए कितना पावर चाहिए. देखो नियर पॉइंट दिया है, जब भी ऐसा दिया हो नियर पॉइंट, तब कॉनकेव लेंस आएगा, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस आएगा, और जब फार पॉइंट दिया हो तब कॉन्वेक्स लेंस आएगा. ठीक है, हमेशा से ऐसा होता है. आप लोगों ने वो डिफरेंस देखा था ना, उसमें फार पॉइंट में कौन था, कॉनकेव लेंस, और नियर पॉइंट में कौन था, कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, इसीलिए तो आपका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए जब नियर पॉइंट दिया हो, और जब फार पॉइंट दिया हो तो आपका आंसर नेगेटिव ही आना चाहिए. अच्छा, कोई बात नहीं. चलो यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, 25, और उसकी इमेज कितनी पर, कहाँ पर बननी चाहिए, 75. सो वेरी सिंपल, 1 upon v minus 1 upon u is equals to 1 upon f. सो 1 upon minus 75 minus 1 upon minus 25 is equals to 1 upon f. ठीक है, तो क्या आएगा, 1 upon f is equals to 1 upon 25 minus
वन अपॉन 75, ठीक है, 1/25 माइनस 1/75, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, 75 माइनस 25 अपॉन 25 इंटू 75, ठीक है, तो f इज इक्वल्स टू आएगा 25 इंटू 75 अपॉन 50, आएगा 75 माइनस 25 50 होगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया 25 टू 50 और 75 ये हो गया f इज इक्वल्स टू 37.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो गया। अभी हमें पावर चाहिए, तो पावर इज इक्वल्स टू 1/f, अभी ये सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको 0.375 मीटर बोल सकते हैं, तो यहाँ पर 1/0.375 डायोप्टर, ठीक है, तो कौन सा लेंस चाहिएगा उसे, कॉनवेक्स लेंस, इट विल ही विल रिक्वायर कॉनवेक्स लेंस, ओके, नाउ व्हाट इज गिवन, डज लेंस मैग्नीफाई, नहीं, वो जो किया था वही, उसको सिर्फ वहां पर लाके रख देगा, वही करेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो। फिर अबोव पर्सन रिमूव स्पेक्स व्हाइल वॉचिंग स्काई, व्हाई, क्यों, क्योंकि पर्सन को नियर पॉइंट का प्रॉब्लम है, फार पॉइंट का प्रॉब्लम नहीं है, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, दैट हियर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फार साइटेडनेस, ओके, पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फार साइटेडनेस, ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं, कहने का मतलब फार साइटेडनेस मतलब कि उसकी दूर की दृष्टि अच्छी है, ओके, और वह नजदीक का नहीं देख सकता, इसीलिए वह स्काई को देखते टाइम अपने स्पेक्स नहीं पहनेगा, ठीक है, ऐसा ओल्ड एज में अक्सर होता है, ओके, तो ये एग्जांपल हमने देखा, बहुत इजी सम से, ठीक है, अभी इसको देखते हैं क्या दिया है, फॉर आर नॉर्मल आई फार पॉइंट इज इंफिनिटी एंड नियर पॉइंट इज 25, ठीक है, ऐसा सब में होता है, कॉर्निया प्रोवाइड्स कन्वर्जिंग पावर ऑफ अबाउट 40 डायोप्टर, देखो वो कॉर्निया हमने आई में डिस्कस किया था, वो थोड़ा कन्वर्ज करती है, तो वो कितना प्रोवाइड करती है 40 डायोप्टर, और लीस्ट पावर ऑफ लेंस कितना 20 डायोप्टर, फ्रॉम दिस डेटा एस्टिमेट रेंज ऑफ कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस का कन्वर्जिंग पावर कि हमें रेंज चाहिए कि मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना, सबसे पहले तो मैं आपको यह बोल दूं कि P रिजल्टेंट इज इक्वल टू P कॉर्निया प्लस P लेंस, ठीक है, अभी P लिस्ट रिजल्टेंट पावर अगर हमें लिस्ट चाहिए, अभी कॉर्निया है तो उसका पावर तो चेंज नहीं होता, वो तो कितना रहेगा 40 ही रहेगा, प्लस इसका अगर लिस्ट होगा लेंस अपना पावर चेंज करता रहता है, हमने बोला था उसकी थिकनेस चेंज होती रहती है, तो लेंस का पावर चेंज होगा, लेंस का पावर अगर लिस्ट होगा तो इसका पावर भी लिस्ट होगा, रिजल्टेंट पावर भी लिस्ट होगा, और ये अगर हाईएस्ट होगा तो ये भी क्या होगा, हाईएस्ट होगा, और हमें ये दिया है, देखो लिस्ट कन्वर्जिंग पावर कितना है 20, तो हम क्या बोल सकते हैं 40 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 60 डायोप्टर, ये लिस्ट कन्वर्जिंग पावर है, कैसा है लिस्ट कन्वर्जिंग पावर, और ये जब होता है उस टाइम पर पावर जब लिस्ट होता है, देयरफॉर एफ मैक्स मतलब कि मैक्सिमम फोकल लेंथ कितनी होगी, तो 1/P लिस्ट, आप अपने मैथमेटिकल तरीके से सोचो, ये जब मैक्सिम लिस्ट होगा ये मैक्सिमम होगा, और ये जब मैक्सिमम होगा ये लिस्ट होगा, ठीक है, तो क्या होगा 1/F मैक्स है ना, तो 60 डायोप्टर, ये क्या होगा मीटर होगा, ठीक है, और अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा 100/60 सेंटीमीटर, ठीक है, मैक्सिमम फोकल लेंथ। अब मैक्सिमम फोकल लेंथ का मतलब ये है कि ये किसके बीच का डिस्टेंस होगा, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना,
किसके बीच का डिस्टेंस होगा? लेंस और रेटिना, वो आई की डायग्राम आप याद कीजिए, लेंस और रेटिना के बीच में जो डिस्टेंस मैक्सिमम होगा वो होगी मैक्सिमम फोकल लेंथ, कितना? 100/60, इतना होगा। ओके, तो मतलब क्या है कि हर बार इमेज कितने डिस्टेंस पे फॉर्म होनी चाहिए? 100/60 सेंटीमीटर, इतने डिस्टेंस पे फॉर्म होनी चाहिए। देखो अगर वो नियरेस्ट पॉइंट पे रखेंगे हम, ठीक है, तो क्या होगा देखिए, 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/v इमेज कहां पर फॉर्म होनी चाहिए? 100/60, ठीक है, हाँ 100/v - 1/u, तो वो 25 आएगा। सॉरी, यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें, हंड्रेड अपॉन सिक्सटी, ये एफ था, कितना था? 100/60, इतना डिस्टेंस था ना, v इज इक्वल्स टू v, हमेशा इमेज कहां पर बननी चाहिए? v पर ही बननी चाहिए, तो v इज इक्वल्स टू क्या है? 100/60, तो 1/v इज इक्वल टू क्या होगा? 60/100, ठीक है ना, क्या होगा? 60/100 -1/25, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1/f, और ये f कौन सा होगा? f मिनिमम होगा, क्या होगा? f मिनिमम। तो अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? मीटर में, तो देखो ये 25 सेंटीमीटर डिनोमिनेटर में है, तो हमें 100 ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। कहने का मतलब क्या है? अच्छा, मैं एक चीज रखना भूल गया यहाँ पर, माइनस, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ऊपर क्या आएगा? 6000/100 प्लस 100/25 इज इक्वल्स टू पी मैक्स, 1/f min इज इक्वल टू पी मैक्स। अभी इसका क्या होगा देखिए, दो जीरो कैंसल, तो 60 और 100/25 4, तो क्या होगा? पी मैक्स इज इक्वल्स टू कितना मिला हमें? 64 डायोप्टर। पी मिनिमम कितना था? 60 डायोप्टर। पी मैक्सिमम कितना है? 64 डायोप्टर, ठीक है ना। अभी ये देखो, ये कॉर्निया है, उसका पावर कितना है? 40, वो तो 40 का 40 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन वो जो लेंस है वो उसका चेंज होगा। यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर आप कितना सोच सकते हो? 24 डायोप्टर सोच सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो लेंस है उसका पावर कहां से कहां तक आएगा? मिनिमम कितना? 20 डायोप्टर, और मैक्सिमम कितना? 24 डायोप्टर। समझ में आया ना? देखो ये जो है पावर, ये रिजल्टेंट पावर है। रिजल्टेंट मतलब कॉर्निया और लेंस दोनों का पावर मिला के जो पावर मिलेगा, ये वो पावर है। तो वो पावर हमें कितना मिला? 64 डायोप्टर। अभी कॉर्निया है, देखो यहां पर क्या दिया है कि कॉर्निया का पावर चेंज नहीं होता, तो उसका पावर 40 डायोप्टर है, तो किसका पावर चेंज हुआ होगा? लेंस का, ठीक है ना। नियर पॉइंट पे जब आएंगे तब क्या होगा, लेंस थोड़ा सा ठीक हो जाएगा ना, इसकी वजह से उसका पावर बढ़ जाएगा, तो उसका पावर बढ़ के कितना हो गया? 24 डायोप्टर, और कितना आ गया हमें रिजल्टेंट, कितना मिला? 64 डायोप्टर। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि लीस्ट पावर ऑफ द लेंस स्पेशली इज द 20 डायोप्टर, एंड द मैक्सिमम पावर ऑफ द लेंस इज द 24 डायोप्टर। तो इसकी रेंज क्या होगी? 20 डायोप्टर से लेके 24 डायोप्टर, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, एक एग्जांपल और देखिए क्या लिया है। अ मायोपिक पर्सन हैज बीन यूजिंग अ स्पेक्टेकल्स ऑफ पावर -1 डायोप्टर या तो -1.0 डायोप्टर फॉर डिस्टेंट विजन, ठीक है, मतलब कि दूर का देखने के लिए वो कौन केवलेंस यूज करता है वो पता है हमें, ठीक है। और दूसरा क्या लिया है, ड्यूरिंग ओल्ड एज ही ऑल्सो नीड्स टू यूज अ सेपरेट रीडिंग ग्लास ऑफ पावर 2 डायोप्टर। एक्सप्लेन वॉट मे हैव हैपन, बहुत सिंपल है। पहले उसकी दूर की नज़र कमजोर थी, अब ओल्ड एज के दौरान उसकी पास की नज़र भी कमजोर हो गई।
ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, पहले इसकी बात करें मायोपिया की। मायोपिया, मायोपिया में 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, अभी इमेज कहां पर बननी चाहिए वो हमें मालूम करना है। माइनस 1/u मायोपिया है, इसका मतलब क्या है कि इमेज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा होना चाहिए। अब अगले एग्जांपल याद कीजिए, आपको समझ में आ गया, समझ में आएगा। 1/f, अभी f क्या है, पावर कितना दिया है, -1 डायोप्टर। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होगी, 1/p होगी, 1/p, तो 1/-1 = -1 मीटर = -100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/-100। अभी तो v इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम, v इज इक्वल्स टू -100 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब क्या है कि उनका फार पॉइंट ऑफ पर्सन इज 100 सेंटीमीटर। मतलब कि उस बंदे का फार पॉइंट जो इन्फिनिटी होना चाहिए था, उसके बदले वो कितना बन गया, 100 सेंटीमीटर। मतलब कि ये लेंस यूज करके उसे इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट है वो भी कितने डिस्टेंस पे दिखेगा, 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे दिखेगा, और वो उसे क्लियरली देख पाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक कंक्लूजन निकाला। अब हाइपरमेट्रोपिया का कंक्लूजन निकालते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट पे रखना होता है। ठीक है, 1/v - 1/u = 1/f। हमें यहां भी पता नहीं है इमेज कहां बनेगी, तो 1/v ऐसे रख देंगे, -1/u, तो u मतलब कि नियर पॉइंट पे रखना है 25 सेंटीमीटर पर। तो यहां पर हम क्या रख देंगे, -25 = 1/f। तो यहां पर वो कितने पावर का स्पेक्टिकल्स यूज कर रहा है, 2 डायोप्टर। तो पावर इज इक्वल टू 2 डायोप्टर, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/2 मीटर, मतलब कि 100/2 सेंटीमीटर, मतलब कि 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या रख देता हूं, 1/50। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/50 माइनस, देखो ये प्लस हो गया उधर जाएगा, तो माइनस क्या आएगा, देखो ये पूरा है, ये आधा है, आधे में से पूरा जाएगा तो माइनस आधा। तो v इज इक्वल्स टू -50 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब क्या है कि उसका नियर पॉइंट, उस बंदे का जो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए था, वो कहां पर हो गया, 50 सेंटीमीटर पर। क्यों, देखो वो लेंस यूज करके उसे इमेज 50 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस पे मिल रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा नियरेस्ट डिस्टेंस कित कहां पर देख सकता है, 50, और हाईएस्ट 100, वो उसका रेंज हो गया। ठीक है, आप इस एग्जांपल को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ओके, तो देखो ये 3 एग्जाम्पल आप अच्छी तरीके से नोट कर लो। देखो मैंने आंसर भी साथ में लिख के रखे हुए हैं। ठीक है, बहुत इजी सम से वो जो हमने पहले ट्राई किए थे उसी का कंसेप्ट यहाँ पे लगाने हैं। पहला देखिए, अ फार साइटेड पर्सन कांट सी ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोजर टू 50 सेंटीमीटर, मतलब कि वो 50 सेंटीमीटर नियरेस्ट देख सकता है, उससे आगे वो नहीं देख सकता। फाइंड, उससे आगे मतलब नियर, फाइंड पावर ऑफ लेंस नीडेड टू सी ऑब्जेक्ट्स एट 20 सेंटीमीटर, मतलब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना रखना है, 20। वो फॉर्मूला था 1/v - 1/u = 1/f। तो आपको फोकल लेंथ पहले फाइंड करनी होगी, उसको मीटर में कन्वर्ट करके पावर इज इक्वल टू 1/f है। ठीक है, वेरी सिंपल, v इज इक्वल टू आप क्या रखोगे, 50 रखोगे, और u क्या रखोगे, 20 -20, इससे आपको f मिल जाएगा। ठीक है, इजीली आप इसको
चेक कर सकते हैं। फिर ये एग्जांपल, अ नॉर्मल आई हैज अ रेटिना 2 सेंटीमीटर बिहाइंड आई लेंस। हमने थोड़ी देर पहले वो एग्जांपल ट्राई किया था, वो रेंज ऑफ द एकोमोडेशन। ठीक उसी तरह देखो, नॉर्मल आई हैज अ रेटिना 2 सेंटीमीटर, मतलब कि इमेज हमेशा कितने डिस्टेंस पे बननी चाहिए, 2 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड आई लेंस, सॉरी बिहाइंड लेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ आई लेंस। हमें क्या फाइंड करना है, पावर ऑफ आई लेंस व्हेन आई इज फुल्ली रिलैक्स एंड मोस्ट स्ट्रेन। ठीक है, जब आई फुल्ली रिलैक्स्ड होगी तब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा। सेम टू सेम फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, 1/v - 1/u = 1/f। देखो 1/v - 1/u = 1/f। v कहां पर होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर पर। अच्छी तरीके से देखो, ये 2 होगा और ऑब्जेक्ट कहां होगा, इंफिनिटी पर, ये सेंटीमीटर में होगा। आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, इससे आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी। ये कब होगा, जब आई कैसी होगी, फुल्ली रिलैक्स। इमेज जब इंफिनिटी पे बनती है तभी आई फुल्ली रिलैक्स होती है ना। ठीक है, और एक दूसरा एग्जांपल क्या है, मोस्ट स्ट्रेन। मोस्ट स्ट्रेन मतलब कब होगा, जब हम ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे। कहां पर रखेंगे, 25 सेंटीमीटर पर। उस टाइम पर 1/v तो वो तो 2। ठीक है, देखो वो ऑब्जेक्ट यहां रखा है और इमेज पीछे बन रही है, इसीलिए मैं उसको पॉजिटिव ले रहा हूं। ठीक है, माइनस ने अपॉन 1/-25 = 1/f। तो यहां पर भी आप f फाइंड कर लेंगे और उसके बाद आपको पावर मिल जाएगा, power = 1/f। ठीक है, ये आंसर मैंने दे दिया है। ठीक उसी तरह देखो, नियर पॉइंट और फार पॉइंट दिया है और रेटिना इतना ही दिया है। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसकी तरह ही आपको कंसेप्ट लगाना होगा। ओके, और क्या एक्स्ट्रा लगाना होगा मैं आपको नहीं बोलूंगा, आप अपने ओर से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये पावर है, इसको आप पहले अच्छी तरीके से एक बार नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल और है, देखिए, अ नियर साइटेड पर्सन, मतलब उस बंदे को नियर का दिख रहा है, दूर का नहीं दिखेगा। ठीक है, पर्सन कांट सी बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से आगे का वो नहीं देख सकता, मतलब कितने डिस्टेंस पे, 25 सेंटीमीटर। Assuming separation of glass from eye is 1 centimeter. अब ये बात बहुत मैटर करती है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 centimeter। जब हम उस पर एक्सपेंड करते हैं थोड़ा डिस्टेंस होता है ना, तो वो दिया है। ठीक है, फाइंड पावर ऑफ लेंस नीडेड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है, हमें 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन हमारे और लेंस के बीच में, ये जो स्पेक्स का ग्लास है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर। तो हमसे अगर 25 होगा तो इस ग्लास से कितना होगा, 24। समझ में आ रहा है, हमें 25 सेंटीमीटर पे चाहिए। ठीक है, हमारी आई और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो इमेज बनेगी वो डिस्टेंस कितना होगा, 25। ठीक है, और ग्लास यहां पर है तो ग्लास और हमारे बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, तो ग्लास और इसके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 24। कितना होगा, 24। तो इसका मतलब क्या है कि इमेज शुड फॉर्म एट 24 सेंटीमीटर फ्रॉम स्पेक्स या तो ग्लास, कोई भी बोल सकते हो। ठीक है, तो फिर से वही फॉर्मूला, 1/v - 1/u = 1/f। अभी v की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1/-24। और ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, इंफिनिटी पर, ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पर रखा हुआ है ना, = 1/f। अभी ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में मिलेगी, उसको मीटर में कन्वर्ट करो और power = 1/focal length होता है, तो उसके हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा, पावर। देखो नेगेटिव में पावर मिलेगा, तो आंसर इज हियर। ओके, सेम टू सेम एग्जांपल हियर, पर्सन हैज नियर पॉइंट 100 सेंटीमीटर। अब नियर पॉइंट का कैसा सॉल्व करना है वो हमने अगले 2-3 एग्जाम्पल में डिस्कस कर लिया है। वॉट पावर ऑफ लेंस ही नीडेड टू रीड एट 20 सेंटीमीटर इफ ही यूजेस कॉन्टेक्ट लेंस एंड स्पेक्टेकल्स। कॉन्टेक्ट लेंस है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमें डिस्टेंस चाहिए, मतलब कि नियर पॉइंट कितना है, 100 सेंटीमीटर पर, मतलब कि इसका मतलब ये है कि v = हम 100 सेंटीमीटर ही यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। कब, जब कॉन्टेक्ट लेंस होगा तब, लेकिन जब स्पेक्स होंगे तब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया है,
स्पेक्स हैविंग ग्लासेस 2 सेंटीमीटर सेपरेटेड फ्रॉम आई, मतलब कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 100 में से 2 माइनस कर दो 98 आपको वहां पर रिप्लेस करना होगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी उसी तरह से, मतलब कि ये जो हमने सॉल्व किया उस तरह से ये भी सॉल्व हो जाएगा और इसका आंसर दिया है, ठीक है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। ओके, क्या दिया है देखिए, अ लेडी कांट सी ऑब्जेक्ट्स क्लोजर देन 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट आई। ओके, मतलब कि 40 सेंटीमीटर से अगर कोई ऑब्जेक्ट उससे भी नियर रखा तो मतलब कि वो लेडी देख नहीं सकती लेफ्ट आई से, एंड क्लोजर देन 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द राइट आई, मतलब कि राइट आई में 100 सेंटीमीटर से क्लोजर नहीं देख सकती। इफ शी यूजेस ग्लास ऑफ स्पेक्स टू फॉर्म अ टेलीस्कोप, मतलब कि सोचो कि वो कहीं घूम गई है और उसे टेलीस्कोप बनाना है और उसके ग्लासेस है जिसकी फोकल लेंथ तो वेरिएबल है, समझा रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि वेरिएबल क्यों है, क्योंकि दोनों जो आईज है वो अलग अलग डिफेक्ट से गिरी हुई है, एक 40 सेंटीमीटर के क्लोज नहीं देख सकती और एक 100 सेंटीमीटर के क्लोज नहीं देख सकती। तो अगर उसको उस ग्लास को यूज करके टेलीस्कोप बनाना है, विच ग्लास शुड शी यूज एज अ आईपीस एंड व्हाट इज द मैग्निफिकेशन शी गेट विद द रिलैक्स्ड आई। अगर आपको पता है तो हमने जो टेलीस्कोप का लेक्चर है उसमें डिस्कस किया था, ठीक है। टेलीस्कोप कुछ इस तरह होता है, ये होता है ऑब्जेक्टिव और ये होता है आईपीस। ये क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। और ये क्या होता है? आईपीस। देखो, ऑब्जेक्टिव बड़ा है और आईपीस छोटा है, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ बड़ी होनी चाहिए और आईपीस है उसकी फोकल लेंथ छोटी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। फोकल लेंथ एक बार आ जाए, बाद में जो छोटी फोकल लेंथ होगी वो आईपीस के लिए होगी और जो बड़ी फोकल लेंथ होगी वो होगी ऑब्जेक्टिव के लिए, मतलब कि वो ग्लास वो ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करेगा। हमें क्या है, विच ग्लास शुड शी यूज एज अ आईपीस, मतलब कि हमें छोटी फोकल लेंथ वाला ग्लास लेना है, ठीक है। तो आप वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वही फॉर्मूला जो हम अभी अप्लाई करेंगे, 1/v - 1/u = 1/f। मतलब कि देखो, ये नियर पॉइंट दिया है ना, तो इसका मतलब ये कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर पर, लेकिन उसे इमेज कहाँ मिलनी चाहिए, 40 सेंटीमीटर पर। क्यों? क्योंकि वो 40 सेंटीमीटर का क्लियर देख सकती है ना, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 1/-40 = 1/f, ठीक है। इस तरह हमें पहली फोकल लेंथ मिलेगी और दूसरा यहाँ पर -100 रख देंगे, दूसरा है, और वही -25 = 1/f2। इससे हमें एक फोकल लेंथ मिलेगी, इससे हमें एक फोकल लेंथ मिलेगी। आपको बाद में चेक करना है कि किसकी फोकल लेंथ बड़ी है, ठीक है, वो सॉरी किसकी फोकल लेंथ छोटी है, आईपीस के लिए छोटी फोकल लेंथ चाहिए, वो आंसर आएगा, ठीक है। और रिलैक्स डाई के लिए मैग्निफिकेशन क्या है, फॉर्मूला m = FO/FE, FO/FE फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव माइनस फोकल लेंथ अपॉन आईपीस, मतलब कि आपको यहां पर बिगर फोकल लेंथ इसमें से जो भी बिगर होगी वो, और स्मॉलर फोकल लेंथ वो रखना होगा, एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ द मैग्निफिकेशन, ठीक है। आप इसको अच्छी तरीके से ट्राई कीजिए, ये सब एग्जांपल हमने आई डिफेक्ट के सॉल्व किए, ठीक है। यहाँ पर रे ऑप्टिक्स के सारे एग्जांपल, सारे कंसेप्ट, सब कुछ खत्म होता है, ठीक है। ओके, और आगे जाके हम दूसरा चैप्टर देखेंगे। नमस्कार।